हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स वर्सेस बोटानिकल गार्डन रेंजर्स के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 7.5 घंटा बचे हैं और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार रात 12 बजे होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैच आर्नेस वाली क्रिकेट ग्राउंड सेंट विंसेंट वेस्ट इंडीज में खेला जाएंगे। अगर यहाँ पर दोनों टीम के पॉइंट्स टेबल की बात करें, एक बार सुन लीजिएगा। डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स इस सीजन में अभी तक 6 मैच खेले, इसमें 3 मैच जीते हैं दोस्तों, 3 मैच हार के चौथा पोजीशन पे। और वही यहाँ पर बोटानिकल गार्डन रेंजर्स की बात करें, 6 में से 4 मैच जीते हैं, 2 मैच हार के थर्ड पोजीशन पे। तो ये जो मैच है दोस्तों, यहाँ पर थर्ड वर्सेस फोर्थ के बीच में मैच होने वाला है, तो ये मैच बहुत रोमांचक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैच आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये मैच रात 12 बजे होंगे। तो यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 7.5 घंटा बचे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार हम लोग टीम बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग स्मॉल लीग के लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है उसको भी पिक करके रख चुके हैं। उसके बाद ग्रैंड लीग के लिए और हेड टू हेड के लिए कौन प्लेयर मिक्स है, ये मतलब स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड, ये तीनों टीम की जो प्लेयर्स है तीनों को मिक्स करके एक मेगा ग्रैंड लीग टीम आपको मैं बना के दूंगा दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना है आपको, ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं दोस्तों। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम पे आपको जाना है @शत्रुघ्न225, चेक कीजिएगा। चेक करते आपको मेरे चैनल हो जाएगा। यहां पर 1245 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। एक और प्रोसेस है, क्रिकेट विद एससी भी जाकर सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार बात है दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्लेयर होगा, मैं यहाँ पर पहले बैट्समैन पे जाऊँगा। तो प्लेयर का नाम है दोस्तों RPRI। इनको मैं पिक क्यों कर रहा हूँ आपको मैं बताऊँगा। पूरे अगर इनकी ओवरऑल स्टैट्स देखा जाए तो पूरे इनकी जो 17 मैच में 374 रन बनाए दोस्तों। यहाँ पर इनकी जो स्ट्राइक रेट है 142.20 स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं, इसलिए मैं इनको कन्फर्म कर रहा हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर डी ग्रीव्स, अगर इनकी बात करें ऑलराउंडर है, इनको भी लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर पूरे 35 मैच खेले, 35 मैच में इनकी जो स्कोर है दोस्तों, यहाँ पर 581 रन बनाए डी ग्रीव्स ने। 581 रन कम नहीं होते हैं। अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात करें, 134.49 स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है, आप इनको जरूर टीम में लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों एस हुपर, अगर इनकी बात करें 35 मैच ये भी खेले, इनकी ओवरऑल स्टार्ट में 567 रन बनाए। अगर इनकी जो स्ट्राइक रेट है दोस्तों 138.20 स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू हार्पर, अगर इनकी बात करें विकेट कीपर है, आपको इनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इनकी बात करें 15 मैच पूरे खेलें, 197 रन बनाए पूरे यहाँ पर। अगर इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें 138.73 स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बैट्समैन आता है के डम्बर, अगर इनकी बात करें 27 मैच मतलब 27 मैच खेलें, 238 रन भी बनाएँ, 238 रन 27 मैच में, और इनकी जो स्ट्राइक रेट रहे 145.39 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो इसलिए मैं इनको कंफर्म करने के लिए आपको मैं बोलूँगा, इनको आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर केसरिक विलियम, अगर इनकी बात करें एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पर एक गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन फिलहाल में हम लोग बात करेंगे बैटिंग के लिए। 24 मैच खेलें, 190 रन बनाए दोस्तों। यहाँ पर विकेट्स भी आपको मैं डिस्कस करूँगा। अगर इनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें 130.34 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये गेंदबाज है, इनके विकेट्स भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर एस विलियम को जरूर टीम में लीजिएगा। अगर इनकी बात करें गेंदबाज है, अगर इनकी बात करें 32 मैच खेले दोस्तों, यहाँ पर 32 मैच में पूरे 32 विकेट लिए हैं। अगर इनकी जो इकोनॉमी रेट रहा दोस्तों, यहाँ पर 9.26 इकोनॉमी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको मैं बता चुका हूँ इनकी बैटिंग स्टैट्स। अगर आपको मैं बताऊँगा बॉलिंग स्टैट्स, अगर इनकी बात करें पूरे 24 मैच खेले दोस्तों, 24 मैच में पूरे इनकी जो विकेट्स रही हैं 19 विकेट लिए हैं, वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए भी खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, 9.26 इकोनॉमी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर डी ग्रिप्स, अगर डी ग्रिप्स की बात करें ऑलराउंडर है, ऑलरेडी इनको मैं कन्फर्म कर चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अगर इनकी जो गेंदबाजी की बात करें 35 मैच पूरे खेले, 35 मैच में इनको जो पूरे 25 विकेट मिले, अगर इनकी जो इकोनॉमी रेट की बात करें 7.63 इकोनॉमी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, इसलिए मैं इनको कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं दोस्तों एस सुपर, इनको भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, आपको ऑलरेडी देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर इनकी बात करें 25 मैच खेले, 25 मैच में 18 विकेट भी लिए, अगर इनकी इकोनॉमी रेट की बात करें 9.59 इकोनॉमी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। बैटिंग स्टार्ट्स भी बता चुका हूँ, 35 मैच में 567 रन बनाएँ। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर के डम्बर, इनको भी मैं ऑलरेडी मैं पिक कर चुका हूँ, रिपीटेड प्लेयर्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर के डम्बर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 24 मैच में पूरे 12 विकेट लिए हैं,
24 मैच में 12 विकेट कम नहीं होता, लेकिन इस प्लेयर को मैं कंफर्म करने के लिए आपको मैं बोलूँगा तो कमी है दोस्तों, लेकिन बैट्समैन है। अगर इनके इकोनॉमी रेट की बात करें 8.37 इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो यहाँ पर पूरे 7 प्लेयर को हम लोग पिक कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दो इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों बैट्समैन पे भी, और यहाँ पर ऑलराउंडर में कोटाई है, ब्राउनी और डी ब्राउनी दो प्लेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाज भी है। तो यहाँ पर आपको सोच समझ के टीम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले एक बैट्समैन को कंफर्म करूँगा, एंड्रू फ्लेचर को, अगर ये खेलता है तो ये 100% आप इनको कंफर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक गेंदबाज को पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मार्टिन को मैं पिक कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद ऑलराउंडर में कैटाई को मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बैट्समैन आप इनको ले सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो अथन जी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इनको कंफर्म कीजिएगा दोस्तों, आप पे डिपेंड, आप अगर कंफर्म करना चाहते हो। उसके बाद में एस ब्राउन भी एक अच्छे प्लेयर है, अगर इनकी बात करें 6 मैच में दोस्तों यहाँ पर पूरे इनकी 212 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक 10 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं, लेना तो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर नहीं तो गेंदबाज पे जा सकते हैं, तो यहाँ पर डी ब्राउनी को मैं यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको मैं बता दूंगा, एंड्रू फ्लेचर आपको नो डाउट ये बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाइस कैप्टन पे यहाँ पर आपको डी ग्रिव्स पे आप जा सकते हो, नहीं तो एस विलियम्स पे, एस विलियम्स आपको बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये दो प्लेयर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर टीम प्रीव्यू एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर विकेट कीपर पर हार्पर है, उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पर यहाँ पर फ्लेचर प्यारे डम्बर है, उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स में यहाँ पर कोटाई ब्राउनी होपर और डी ग्रिव्स है, उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में केसरिक विलियम एस विलियम्स और यहाँ पर डी मार्टिन है। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें फ्लेचर एंड्रू फ्लेचर और डी ग्रिव्स आपको यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन में नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने बता दिया, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, जब टॉस होने के बाद लाइनअप अनाउंस होता है दोस्तों उसी के बाद मैं फाइनल टीम आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शुड ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको मैं फाइनल टीम देता रहूँगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।